क्या आपका शहर बेस्ट सिटी है? क्या आपका शहर 21वीं सदी के शहर के मानकों पर खरा उतरता है? 6 मार्च को आपको दिखाएंगे नतीजे कि कौन जीतेगा बेस्ट सिटी अवार्ड। पर आज हम आपको लिए चल रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक, ये जानने के लिए कि क्या नासिक बेस्ट सिटी है। पश्चिमी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर नासिक, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से 175 किलोमीटर की दूरी पर बसा है नासिक। 15 लाख आबादी वाला ये शहर मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। मुंबई, पुणे और नासिक शहर की तिकड़ी को महाराष्ट्र में गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। नासिक में है भारत का सिक्योरिटी प्रेस। यहां से छपी करेंसी की नोटें और डाक टिकट देश भर में पहुंचते हैं। नासिक एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें छिपे हैं अतीत के अनगिनत किस्से। 16वीं सदी में मुगलों ने नासिक पर राज किया था और तब इस शहर का नाम रखा था गुलशनाबाद। मुगलों के बाद थोड़े समय के लिए नासिक शहर पर पेशवाओं ने राज किया, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने नासिक पर कब्जा कर लिया। इस शहर का धार्मिक महत्व भी है। रामायण के मुताबिक नासिक में ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे और इसी वजह से इस शहर का नाम नासिक पड़ गया। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा है, जिसे दक्षिण की गंगा कही जाती है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर नासिक के करीब ही है, जहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शिरडी के साई बाबा के दर्शन के लिए रास्ता नासिक से ही गुजरता है। जिन चार ठिकानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, उनमें से एक नासिक भी है। यही वजह है कि नासिक धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म नाम से उसको एक बढ़ावा दे रहे हैं और जो सुविधा नासिक में होनी चाहिए और पैमाने पे जो टूरिज्म के माध्यम से होनी चाहिए, उस तरह से महाराष्ट्र शासन या केंद्र शासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि काफी लोग यहाँ आते हैं। नासिक में गोदावरी नदी के अलावा एक और भी नदी बहती है, ये नदी है वाइन्स की। जी हाँ, नासिक में कई सारी खूबसूरत वाइनरीज हैं जो बड़े पैमाने पर पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। धार्मिक पर्यटन की तरह ही यहाँ वाइन बेस्ड पर्यटन भी साल भर चलते रहता है। नासिक और उसके आसपास करीब 32 वाइनरीज हैं। नासिक शहर चारों ओर से अंगूर के खेतों से घिरा है और इसी के चलते इसे भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाने लगा है। अंगूर के अलावा नासिक प्याज और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए भी मशहूर है। जनाब है अद्वैत खेत। नासिक इनका पुश्तैनी शहर नहीं था, लेकिन मुंबई से एक बार इस शहर में आए, उसके बाद से इसी शहर के होकर रह गए। नासिक की काठ की कलाकृतियों को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं अद्वैत। नासिक में पहाड़ है, नदी है, तालाब है, निसर्ग है, साफ हवा है, ठंड है, ताजे फल है, सब्जी यहाँ से 7 सिटीज को जाती है। शहर में सुविधाएं हैं तो शहर की अपनी शिकायत भी है। नासिक में गंदगी की निकासी की कोई योजना नहीं है, जिसका असर गोदावरी नदी पर दिखाई देने लगा है। नासिक का तेजी से विस्तार हो रहा है। अगर इस शहर का बुनियादी ढांचा भी उसी रफ्तार से बढ़ता है, तो यह शहर अपने राज्य के पुणे को भी टक्कर दे सकता है। क्या नासिक जीतेगा बेस्ट सिटी अवार्ड? नतीजे 6 मार्च को